तो फ्रेंड्स, ये फिल्म टीसी की बाकी एनिमेटेड फिल्मों से काफ़ी अलग है। हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 के रिव्यू के बारे में। जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 ये एक एक्शन एनिमेशन एडवेंचर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है जेफ फेमिस्टर ने। तो वही फिल्म की कास्ट में है स्टेना कैटी, मैट बूमर, ओमिड अब्ताही एंड एलिसिया रोतारू। कहानी फोकस करती है बैरी एलन यानी फ्लैश पर, जो एक फाइट के दौरान काफी तेजी से भागता है और पहुंच जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जहां फ्लैश को पता चलता है जस्टिस सोसाइटी नाम की एक सुपर हीरो टीम के बारे में। पर सवाल ये है कि आखिर फ्यूचर में किसी को और खुद फ्लैश को ही इनके बारे में क्यों नहीं पता। और बाकी इसके अलावा फिल्म में आगे क्या कुछ होता है, वही सब जानने के लिए आपको इस फिल्म को देखना होगा जिसका नाम है जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीसी की एनिमेशन फिल्म्स देखना पसंद करते हैं और उनमें दिखाए गए जबरदस्त एक्शन सीन्स भी, तो ये फिल्म आपको एक बार तो जरूर देखने चाहिए, जिसका रीजन है फिल्म में डाले गए काफी जबरदस्त एक्शन सीन्स जो आपको पसंद आएंगे, स्पेशली वंडर वुमन के, जिसका एक अलग ही अंदाज हमें इस फिल्म में देखने को मिलता है। तो वही एक और रीजन है फिल्म की एडिटिंग, क्योंकि ये फिल्म हमें बिल्कुल भी बोर नहीं करती अपने फास्ट पेस और लेंथ के चलते, जो सिर्फ 1 घंटे और 24 मिनट की है। तो वही बात करूं डायरेक्शन की, तो फिल्म को डायरेक्ट किया है जेफ फेमिस्टर ने और नो डाउट फिल्म का डायरेक्शन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि फिल्म की स्टोरी सेट है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर, जिस टाइम को फिल्म में बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है कि अगर उस टाइम पर सुपर हीरोज होते जो कि इस फिल्म में है तो क्या होता, चीजें किस तरीके से होती, ये फिल्म काफी अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट करती है। वहीं बात करूं एनिमेशन की, तो इस बार डीसी की तरफ से एनिमेशन में चेंजेस किए गए हैं जो कुछ लोगों को पसंद आएंगे तो कुछ लोगों को बिल्कुल भी नहीं। वहीं बात करूं मेरी, तो मुझे फिल्म का एनिमेशन पसंद आया जो फिल्म के हिसाब से अच्छा है। तो वहीं पीजेम भी फिल्म के हिसाब से अच्छा है, तो वहीं वॉइस एक्टर्स ने भी अपना काम काफी अच्छे से किया है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए फिल्म से रिलेटेड प्लस पॉइंट्स, और अब बात कर लेते हैं फिल्म के वीक पॉइंट्स के बारे में। जैसे फिल्म का प्लॉट जो काफी ज्यादा सिंपल है, जिसकी प्रेजेंटेशन भी फिल्म में ठीक ठाक तरीके से की गई है, पर फिल्म का प्लॉट वीक और बुरा तब लगता है जब कई सारे सवालों के जवाब ये फिल्म नहीं देती, जैसे फ्लैश का इस टाइमलाइन में आना जिसका कोई बड़ा रीजन फिल्म में नहीं दिया गया है और जो दिया गया है वो इतना बढ़िया नहीं है। तो वहीं एक कैरेक्टर आवाज देकर फ्लैश को इस टाइमलाइन में बुलाता है, पर क्यों इसका भी अगेन कोई रीजन नहीं दिया गया है। तो वहीं एक और वीक पॉइंट की बात करूं, तो फिल्म का फोकस जस्टिस सोसाइटी की टीम पर रहता है, जिस टीम में से वंडर वुमन का कैरेक्टर तो आपको पसंद आएगा, पर टीम के बाकी मेंबर्स पर ये फिल्म उतना ज्यादा फोकस नहीं करती कि हम उनसे कनेक्ट हो पाए या उनके लिए बुरा फील करें। तो वहीं फिल्म फोकस फ्लैश के कैरेक्टर पर भी करती है, जिसकी डेवलपमेंट अगेन अच्छे से नहीं की गई, पर ओवरऑल इन सभी वीक पॉइंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाए तो ये एक काफी अच्छी टाइम पास सी फिल्म है, जिसे आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं, जो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है और आप इस फिल्म को अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। फिल्म जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 को मैं दूंगा 3 स्टार्स। तो फ्रेंड्स, ये था फिल्म जस्टिस सोसाइटी वर्ल्ड वॉर 2 को लेकर मेरा रिव्यू। पर अगर आपने ये फिल्म पहले से ही देख रखी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये फिल्म कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।